ठीक है ओके यहाँ पे भी चार्ज है वहाँ पे भी चार्ज है। देखा मोनिका, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम कुछ और बनाते हैं। कितने सारे लोगों ने ताजमहल बनाया। That is right. अगर हम कुतुब मीनार बनाते तो सबसे डिफरेंट होते। ओह प्लीज, अगर तुम लोगों ने मोनिका की बात सुनी होती और इस ताजमहल को मेकअप किया होता तो इस ज्यादा बेटर दिखता। अंडरस्टैंड? वाओ, यू मीन हम ताजमहल पे पिंक वाला ब्लश ऑन लगाते, फिर थोड़ा सा ग्लिटर डालते नहीं? और फिर ऊपर से लिपस्टिक लगाते और नीचे से नेल पेंट, है ना? वाओ, कितना सुंदर लगता ताजमहल। गुड मॉर्निंग मोनिका। एक्सक्यूज मी, क्लास टीचर मैं हूँ। गुड मॉर्निंग, मुझे कहना है। हाँ हाँ, आपको भी गुड मॉर्निंग। हैं? गुड मॉर्निंग। वैसे तुम फिर क्लास में लेट आए, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ, वो क्या है ना सर, किसी महान आदमी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए टाइम तो लगता है ना। इतना टाइम लेके जो तुमने बनाया, क्या बना बता? वाह, वैसे लेटर वाले किस्से के लिए मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन अब क्या कुछ गड़बड़ की ना तो सीधा क्लासरूम के पास। आई होप तुमने इसमें कुछ चीटिंग नहीं की हो। नो सर, भी तो पहली बार तुम लोग क्लास में किसी चीज में फर्स्ट आओगे। मनीष, मनीष कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि घरे को कितनी भी मालिश कर लो वो कभी खोखला नहीं बन सकता। कुछ गड़बड़ है। सर, पूरे क्लास को मौका मिलना चाहिए मोंटू रोहित के प्रोजेक्ट को देखने का, शायद हम भी कुछ सीख ले। बेटा पूरे क्लास की चिंता तू मत कर, तुझे देखना है तो आ जा। चल चल नील। हाउ ब्यूटीफुल। सर को क्या उल्लू बनाया? सर आपको उल्लू बोला? पर तूने बनाया क्या बोला? हाँ सर, हम सिर्फ बोलते नहीं दिखाते भी है। देखो सर प्राइस टैग। हाँ सर ये देखो। रुपीज 110 ओनली। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद बोला था दुकानदार को प्राइस टैग निकालने के लिए। अरे अरे क्या किया मोंटू, तुम कभी हीरो नहीं बन सकते, तुम जीरो ही थे, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में भी तुम्हें जीरो ही दिया जाएगा। परी, भटकाती परी, क्या आपको ऐसा कुछ लगा या ऐसा कुछ नजर आया जिसमें कोई खतरा हो, या फिर पृथ्वी लोक पर कोई घटना घटी हुई हो? नहीं रानी परी, हम दोनों रात भर से इस कुंड के सामने ही हैं, लेकिन ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है गुरुदेव का गुस्सा शांत हो गया होगा और इसीलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई। असुरम दानवम शत्रुमम समापन वायुमम 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 वायुमम। असुरम दानवम शत्रुमम समापन वायुमम वायुमम वायुमम। बच्चों, ब्लैक बोर्ड इधर है बच्चों,
सर आप ब्लैक बोर्ड को इधर कर देना प्लीज। ब्लैक बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम लोगों ने इस तरफ नहीं देखा तो तुम सबको क्लास से बाहर निकाल लूंगा। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वांट टू हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वांट टू हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वांट टू हैप्पी बर्थडे बॉस। बर्थडे मना के हो गया? अरे ये कोई जगह है केक काटने की? सर इसकी जगह ये पूछिए कि ये कौन सा दिन है बर्थडे मनाने का। हाँ सर, क्योंकि मोंटू का बर्थडे तो 6 महीने पहले जा चुका है। है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से था, और ये जो बर्थडे ये मेरा जापानीज कैलेंडर के हिसाब से है। केक काट के हो गया, बर्थडे मना के हो गया, जा अपनी सीट पे जाके बैठो। नहीं सर, सर ऐसा बोलने देगा? बोलने देगा? बोलेगा बोलेगा। नहीं सर, अभी तो बस केक काट के हुआ है, अब पार्टी बाकी है और मेरी पार्टी आज ही होगी। मैंने मेरे पापा से परमिशन लेकर पूरे क्लास के लिए हाफ डे लिया है, क्योंकि मैं इन सबको यॉट पे लेके जाने वाला हूँ। होता है ऐसा होता तो सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोगों को मेरे यॉट पार्टी में आना ही है। और मोनिका तुम्हें तो स्पेशली आना है। यहाँ वैसे मोंटू तुम पार्टी में क्या क्या करने वाले हो? पार्टी में मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी स्टाइल की धमाल होने वाली है। और चलो चलो निकलो निकलो सब लोग निकलो और जाओ घर पे और जल्दी जल्दी चेंज करके आ जाना। ठीक 1 बजे बस स्कूल से निकलेगी, समझे? हाँ, 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 चलो, चलो। वैसे मोंटू बर्थडे पार्टी के लिए हाफ डे स्कूल क्या? माइंड ब्लोइंग कूल। वैसे मोंटू जैसे तुम दिखते हो वैसे हो नहीं, तुम भी स्कूल के तरह एकदम कूल हो। ये क्या बच्चे? अरे बच्चे वो स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? दादाजी आज मोंटू की यॉट पार्टी है, इसलिए हमें स्कूल से हाफ डे ऑफ मिला है। हाँ। अच्छा अच्छा, मोंटू घर पे यॉट लेके आने वाला है? अरे पापा हम समुंदर में यॉट पे पार्टी करेंगे, है ना? मेरा तो अभी से ही मन मीठा हो रहा है। और मेरा खट्टा, पता है तो भला कोई समुंदर में पार्टी करता है क्या? समुंदर कितना खतरनाक होता है। मौसी कौन से जमाने में जी रही है आप? आजकल तो समुंदर में पार्टी करना बहुत आम बात हो गई है। अरे जाओ बच्चों जाओ, मजा करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, जाओ। अरे जल्दी चलो, हमें रेडी होकर वापस स्कूल भी तो जाना है। हाँ, चलो चलो। चलो दोस्तों तो मैड बॉय को विश करो। मतलब बैड बॉय को विश करो। बड्डे बॉय को विश करो। हैप्पी बर्थडे मोंटू। थैंक यू।
रोहित जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो कहाँ है? आपके साथ नहीं तो है मेरे साथ कहाँ है? ये रहा बस मैं बेवकूफ, मैं मोनिका की बात कर रहा हूँ, उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वो ही अब तक आई नहीं। हेलो बच्चो, हेलो। तो बर्थडे बॉय मस्ती हो रही है? हाँ। बर्थडे बॉय, तो क्या अब हम यॉट लेकर चलें? नहीं, रुक जाओ। मोनिका अभी तक आई नहीं है। हाँ, सेम टू यू मोनिका। सेल्फी हो जाए। सेल्फी? ए हट, ए हट। अरे तू हट। कैप्टन अंकल, यॉट चालू करो। लड़के कैसे आंखें फाड़ फाड़ के उल्लू की तरह उसे देख रहा है। उल्लू की तरह नहीं, ये लड़के तो उल्लू ही हो गए। व्हाटएवर रोहित, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ मुंडू, बस बहुत मजा आ रहा है। क्या टेस्टी पनीर चिली हुआ। अबे बेवकूफ, इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। देखना मोनिका को कितना मजा आ रहा है, अब तो वो मुझसे पक्का इंप्रेस होगी। अरे मोनिका का स्कार्फ, प्लीज कोई मेरे स्कार्फ को पकड़ो। थैंक यू मैडम, मोनिका का फेवरेट स्कार्फ बचाने के लिए। Anything for you, Monica. Thank you. Welcome. रोहित, इस बिद्दी को आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके मोनिका का दिल जीतना है। जितना बाहर से बड़ा दिखता है उतना ही अंदर से भी बड़ा है ना? उसको निकाल ही देता हूँ, क्योंकि मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी का दिल बहुत बड़ा है और पेट भी। अब देखना रोहित, इन सबका भी पेट मेरे पेट जैसा होने वाला है। ये देखो कैसे? ये खाना इतना टेस्टी है ना, ये बिद्दी लोग इसे रेजिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। सुपर डुपर बफे, चलो देख के आते हैं। हाँ चल देख के आते हैं। चलो चलो नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, पास्ता।
वीरतम रूपम वायुमम प्रकटम 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 तुरंत उस जादुई कुंड में देखिए और बताइए कि क्या हो रहा है। जी बालपरी। रानी परी सारे पक्षी परी लोग से उठकर बाहर जा रहे हैं। क्या? और सारे फूल भी जैसे मुरझाने लगे हैं। ये सब गुरुदेव ही कर रहे हैं। परियों, बालवीर, ये तो अभी शुरुआत है। गुरुदेव अपनी सारी शक्तियों को समेटकर जरूर कोई बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं, जिसका असर यहाँ पूरे परिलोक तक दिखाई दे रहा है। बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं कि इस समय गुरुदेव है कहाँ। ये जादुई कुंड का संपर्क टूट कैसे गया? अब हम बाहर क्या हो रहा है कैसे जान पाएंगे? रानी परी, ये जरूर गुरुदेव की शक्तियों के कारण हुआ होगा। हाँ, ताकि बाहर क्या खतरा है उसके बारे में हमें कुछ पता ना चले और उस खतरे को जानने के लिए हमें बाहर निकलने के लिए विवश होना पड़े। और हमारे बाहर जाते ही वो हमें कैद कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि अब गुरुदेव परिलोक और पृथ्वीलोक को कौन से खतरे में डाल रहे हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।